राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय के बाद एंड आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ। ये मैं अपने जंगलोटे लाइट हाउस में हूँ और ये था वो दिन जब हम इस घर को छोड़ के कहीं और पहुँच गए। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। एनीवे आपको बता भी देती हूँ, हम पहुँचे हैं अखनूर घूमने नहीं, यहाँ हमारा घर है एक और यहाँ आए थे हम कुछ दिनों के लिए और सोचा थोड़ा सा दरिया के किनारों का मज़ा लिया जाए, वहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा पवन को महसूस किया जाए। यहाँ से कूद के लोग मरते भी हैं। एंड हियर हमारे भ्राता देवर जी पानी का तापमान चेक कर रहे हैं और गहराई भी शायद ठीक है। उसके बाद ये है मच्छरों का जमावड़ा जो हमारे पीछे पीछे बहुत देर तक घूमता रहा है। इन केस यू आर मिसिंग मी, हियर इज़ मी, आपकी प्यारी समीक्षा चाड़क। तो हम घूमी चुमी करी एंड जब मच्छर हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा था, लाल परी देख के वो ज़्यादा ही मच्छर गया था। उसके बाद देखिए ये महाभारत के दृश्य को थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्शाया हुआ है और राधा कृष्णा भी हैं, यहाँ पे नृत्य चल रहा है। इस बीच में आप हमारे प्यारे देवर जी के दर्शन कर सकते हैं, देखिए इज क्यूट। ओह मछलियाँ ना इन्हें भी करना गया। ये रात का अंधेरा एंड रफ इतना सा कुछ। यहाँ पे दोनों भाई बहनों में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है कि ज़्यादा देर पानी में कौन ठहरता है, क्योंकि पानी का तापमान ज़्यादा था, ठंडा था, ठंडा ठंडा पानी। और रात का ये व्यू दरिया के साइड पे बैठ के देखने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मंदिर भी है यहाँ पे, आप चाहो तो अंदर जाके दर्शन वगैरह कर सकते हो, हमने बाहर से ही किया, अंदर नहीं गए। और यहाँ पे रामायण का कोई दृश्य दर्शाया हुआ है जहाँ पे हनुमान जी राम सीता जी बैठे हुए हैं। फिर हम चल पड़े घर की तरफ और आइसक्रीम खाने का मन था, खाई, लेकिन यहाँ से नहीं कहीं और से। और हमारी ननंद ने हमारा बड़ा साथ दिया है। अभी आप सोच रहे हो कि अचानक से हम कहाँ आ गए और इतनी रोशनी सुबह ये वो, अचानक से हम पहुँच गए हैं मंदिर। और ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे था सत्संग और उनके 10वीं वर्षगांठ, तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे। और देखिए व्यू कितना प्यारा है। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने मामू जी के घर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई शास्त्री जी आ रहे हैं, कोई नहीं, सुभाष शास्त्री जी, अगर जम्मू के हो तो आप जानते होंगे इनको। अब आप लोगों को काटा नहीं जाएगा, फोटो खींच लेते हैं, इधर फोटो शूट चल रहा है इनका, कैमरामैन और वीडियोग्राफर दोनों मैं ही हूँ। टक्की भी देख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद हमारा ऋषि पुत्र पधार चुका है अपने मामू और मम्मी के साथ एंड उसको देख के जो खुशी हुई है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वी मेट एंड देन वी वेंट इनसाइड, थोड़ी इंग्लिश भी चलती है क्योंकि दो लफ्ज टाई डेढ़ लफ्ज जड़ा में आंदा है वो बोलना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो सत्संग वगैरह चल रहा था हम सब चले गए अंदर, एंटर किया हमने अपने ऋषि पुत्र के साथ, वो पापा से मिली और ऋषि पुत्र हमारी नानी से आशीर्वाद लेते हुए इनसे मिले हम। उसके बाद मैया के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी, ये हमारी ननंदू के साथ खेलता हुआ हमारा ऋषि पुत्र। उसके बाद ये सत्संग का लास्ट संगीत था जिसपे सबने बहुत इंजॉय करा। उसके बाद खाना वाना सबने खाया, प्रसाद ग्रहण किया, एक्चुअली थोड़े शब्दों पे इधर उधर हो जाता है शब्दों का हेड पे, माता रानी के दर्शन आप भी कर लीजिए। उसके बाद ये भोलेनाथ के दर्शन है, फिर हम पहुंच गए घर, नहीं ये तो नेक्स्ट सुबह है यार, नेक्स्ट सुबह भी हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से वापस आए तो मामी जी कहते हैं हम आपका वीडियो निकाल लेते हैं, तो हमने कहा ठीक है निकाल लीजिए। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी यू नो प्यारे प्यारे प्राणी हमारे जीवन में आए हैं, सब नए हैं, सब प्यारे हैं, मिली इनसे ये हमारी हसमुख मामी जी और शी इज़ सो गुड।
अभी आप सोच रहे होंगे अचानक से हम फिर गाड़ी में बैठ गए हैं। अब यहाँ से आगे की यात्रा को ज़्यादा ही फनी है, और ये अखनूर दर्शन कर लीजिए आप। हम ये अखनूर छोड़ के भी अब कहीं और जा रहे हैं तो जानते हैं जानते जो नहीं जानते उनको धीरे धीरे पता चलेगा। तो हम यहाँ पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। 13:14 ये ट्रेन जाना नहीं चाहती तुम्हें? ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रेन आई, सबने हमें सी ऑफ किया, बाय बाय बोला, हम चल पड़े घर की तरफ। ये हम अपना बड़ी ब्राह्मणा छोड़ते हुए, ये सब जानते हैं जो भी है, हम फिर ट्रेन में भी खाना वगैरह जो मिलता है उसका आनंद लूटते हुए, सबसे बड़ी बात सब बिना लहसुन प्याज के था खाना। उसके बाद गुलाब जामुन भी खाया और बाकी स्नैक्स वगैरह भी चखे, हमने नहीं खाए थे, सब ने खाए। हमने हेल्दी डाइट ली, फ्रूट वगैरह खाए, जो भी अच्छा था वो खाया। उसके बाद देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है, हमारे ये प्यारे प्यारे मामी जी, उसके बाद आग में पीछे चलती बहुत सुंदर लग रही है, इन केस यू आर मिसिंग मी। उसके बाद हम पहुंच गए, ये कहाँ पहुंच गए हो? चलिए कोई नहीं, आपको पता चलेगा अभी कहाँ पहुँचे हैं। तो ये हम पहुँच गए दिल्ली या दिल्ली, जहाँ भी पहुँचे यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद हमने ली यहाँ से टैक्सी और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम, आपको जल्दी पता चलेगा हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी आपके सस्पेंस का ख़त्म होता हुआ और हम पहुँच गए हम एयरपोर्ट पे। मेरे को मौका नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें पता है आपको हमारी याद आती है, इसीलिए बीच बीच में अपनी शक्ल दिखाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और हमारा सारा पीछे का तामझाम हो चुका है। एक जो एक बैग था वो मैं पीछे ही छोड़ आई थी, फिर मामू जी ने जाके वो बैग लाया। उसके बाद हम आगे की यात्रा फिर स्टार्ट किए। थोड़ी सी लापरवाही भी चलती है, ऐसे हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। तो उसके बाद हम बैठ गए प्लेन में, एरोप्लेन बाय, नीचे से देखते हुए हम बीच में बैठने का आनंद लूटे। पहले बैठे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन की जर्नी ज़्यादा अच्छी होती है, मुझसे पूछे कोई तो, बट इमरजेंसी के लिए जहाज चलता है। ये हम पहुंच गए हैं सरदार वल्लभ पटेल समथिंग अंतर्राष्ट्रीय, इसको के एयरपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं। फिर हमने सुबह सुबह नाश्ता किया डोसा, फिर उसके बाद हमने ली बस। आप देख सकते हैं हमारी जर्नी कितनी यादगार है। क्या गड्डियाँ चेंज की थी आज? ऑटो नहीं लाना ले, हमने बस गाड़ियों पे गाड़ियाँ चेंज की हैं। एक और गाड़ी चेंज कर ली हमने, कार में आए थे, ट्रेन में आए, प्लेन में आए, टैक्सी में आए, फिर हम बस में, फिर एक और बस में, अभी बस से हम मंदिरों का नज़ारा लूटते हुए अभी हम फिर गाड़ी में बैठ गए हैं सफारी, था सफारी में। ऑटो लेना था बट कुछ प्लान चेंज हुआ तो इसमें बैठ गए। फिर हम मंदिरों का लुफ्त उठाते हुए, कहा जाता है कि बाहर से ही देखने को मिलता है, अंदर नहीं जाया जाता। मंदिर का नाम है स्वामी नारायण नारायण। अभी हम अपनी सोसाइटी में एंटर करते हुए और ये हमारा स्वागत होता हुआ हमारे ससुराल में। आप ससुराल के नाम नहीं लीजिए, ससुराल हमारे टचवुड बहुत अधिक हैं और राधा रानी की कृपा से सारे ससुराल अच्छे हैं फिलहाल। बाद में बताऊंगी बाकी का। तो ये हमारी परिणय नंद ने हमारा वो किया, उसके बाद एक और ससुराल में हमारा स्वागत होता हुआ।